एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं, विदाउट सैलरी है। जिस तरीके से आप सभी जानते हैं कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से एक एसपीओज का मुद्दा लेकर चल रहा हूं, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, जिसमें हमारे यही प्रयास रहा होगा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी हमारे एसपीओज भाई हैं या बहनें हैं, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल के तर्ज पर सैलरी मिलनी चाहिए और उनके रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमारे जो डिसंगेज एसपीओज हैं जम्मू कश्मीर में, उसके लिए हम होम मिनिस्टर तक पहुँचे कि उनको रीएंगेज किया जाए, क्योंकि उन्होंने ड्यूरिंग ड्यूटी अपने एम रोल अदा किया है जिसमें मिलिटेंसी में उन्होंने काम किया है। अब हमने जम्मू कश्मीर का यूनिट जो है कुछ दिन पहले बनाया और आज हम जम्मू कश्मीर के हालात को मद्देनजर रखते हुए हमें इस संगठन को मजबूती जिस तरीके से मिल रही है और जिस तरीके से इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर जो एक की गहराइयों के से हमारे जो यूटी के प्रेसिडेंट डीके साहब राजकुमार जी, हमारे अपने पूरी बातचीत करने के बाद पीके कंजू साहब को स्टेट ऑब्जर्वर ऑल इंडिया वॉइस ऑफ फॉर पीपुल जम्मू कश्मीर लद्दाख अपॉइंट किया गया है और आज से उसके बाद इनको पूरी जिम्मेवारी दी गई है जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो भी ऑल इंडिया वॉइस ऑफ फॉर पीपुल्स का संगठन होगा पूरा कारोबार ये देखेंगे अपने, और इनके साथ डीके सिंह जी हमारे जो यूटी प्रेसिडेंट है ये इनके साथ बने रहेंगे। यही हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि 2 अगस्त को मैंने दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमने जम्मू कश्मीर के हालात से उनको आगाह किया था, करूँगा कि वो हमें अपने तरफ से आशीर्वाद दें। और दो बातें ये रखे सामने,